मेरा वो मिजाज नहीं है. मैंने बहुत देखा है कि सब आते हैं और मीर की खुशी सबको होती है कि हम जो है वो पत्थर लगा दें कि हमने बुनियाद रखी इस चीज को तामीर करने का. मैंने कहा मेरा ख्वाब ये है और मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप सब ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें वो दिन दिखाए जब ये बिल्डिंग तैयार हो और हम इसको फॉर्मली इनॉग्रेट करने आए. और मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और आप तमाम साथियों का जिन्होंने वक्तन फवक्तन मुझे याद करवाया कि वो बिल्डिंग का काम चल रहा है, तेजी से होना चाहिए और वक्त पे मुकम्मल होना चाहिए ताकि हमारी सावजियां के जो बच्चे हैं उनकी बेहतर. नामी तौर पे ये कहते हैं कि वो हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियां है, उसको वाकया में आप मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियां बनाइए. और अल्लाह का करम है और आप सबकी दुआएं हैं कि आज वो दिन आ गया कि ये बिल्डिंग जो है तामीर होके हम सबके सामने. मुझे याद है जब मैं पिछली बार आई तो आपका ये हॉल तैयार हो गया था. तब भी चंद बुजुर्गों ने साथियों ने जो हमेशा इस मुकामी इलाके से हैं और मुझे याद कराते हैं कहा कि हम इसका इनॉग्रेशन कर लेते हैं. तो मैंने उनसे कहा नहीं, अल्लाह का हम पे करम रहेगा, हिम्मत रखिए और भरोसा करिए इंशाल्लाह रहमान हम एक दिन जरूर आएंगे. जो अधूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मुकम्मल होगी. मुकम्मल होने के बाद हम सब साथी यहाँ आएंगे, एक ही मुकाम पर बैठेंगे और हम देखेंगे कि ये बिल्डिंग जो है हमने स्कूल अथॉरिटी के हवाले की, इनके बच्चों के हवाले की और सावजिया की आवाम की नज़र की. उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ. तो यहाँ का बच्चा किसी भी कंट्री के साथ, पूरे हिंदुस्तान किसी भी स्टेट के साथ, किसी भी बच्चे के साथ सावजियां का बच्चा यहाँ से बैठ के इंटरेक्शन कर सकता है. बिल्कुल. जो हमारी आईसीटी लैब है बहुत खुशी की बात है कि यहाँ ये लोग आपके साथ है, इनकी दुआएं आपके साथ है, इनकी मोहब्बत आपके साथ है. और जिन भी लोगों ने यहाँ तकरीरें की है वो फैब्रिकेटेड नहीं थी, वो बनावटी नहीं थी, बल्कि वो दिल से बातें निकल रही थी. वो वजनी की और मेरी माँ जो वहां तकरीर कर रही थी अभी यहां वहां पे, वो दिल की आह निकल रही है. आपको इन लोगों की दुआएं हैं, आपको ब्रदरी हमारे स्कूल को वो एंडेवर कर रहे हैं तो हमने इसको टेकअप किया है. इसके अलावा जो इस इंस्टीट्यूशन में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट कंप्लीट है. जहाँ जहाँ भी कोई थोड़ी बहुत अगर कोई कमी होगी तो मैंने प्रिंसिपल साहब से टेकअप किया है कि बच्चों के बैठने के लिए आरडी चीज लगी है तो और भी अगर कोई कमी है तो मुझे करने का कोशिश करें. सर जैसे कि इनमें डिमांड्स भी बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारे से पहले पहले हो जाएगा. हमारे यहाँ साइंस की स्ट्रीम चल रही है, साइंस मेडिकल. तो मेडिकल में जो हमारे टीचर थे वो हमने इंटरनल रेंज में किया, मतलब जून से पीजी जो टीचर थे उनको एंगेज किया हुआ है और सरकार को लिखा भी है कि ये मेडिकल स्ट्रीम की क्रिएशन की पोस्ट के लिए वो भी इंशाल्लाह जल्दी होगी. इसके बारे एक आईसीटी लैब है तो यहाँ का बच्चा जो है वो